उनके मालिक ऋतिक मेवाड़ा आज अपनी घर से 3 लाख रुपए लेकर आए थे और उसकी गाड़ी में रखे थे। ऋतिक मेवाड़ा उन पैसों को आज बैंक में जमा करवाने वाला था। शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण वो पैसे जमा नहीं करवाया, इसलिए 3 लाख रुपए लेकर आज अपनी दुकान पर आया था। जैसे ही वो दुकान के अंदर गया उसने अपनी गाड़ी को लॉक करना चाहा, लेकिन लॉक वायदा भी हो नहीं पाई थी। 10 मिनट बाद में उन्होंने वापस आकर अपनी गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी में पैसे गायब मिले। सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों में 1-2 संदिग्ध आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। सर, ये रैकी करते हुए आगे देखे, ये कैमरों से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी के पीछे ही आगे भी हो सकते हैं, उनको सीसीटीवी कैमरे से देखकर क्लियर किया जाएगा। 3 लाख मांगे। सर बताएं क्या हुआ क्या नहीं। आज मेरे यहाँ मेवाड़ा वाइंस की दुकान है प्रताप नगर टेम्पो स्टैंड के पास, मेरा भाणेज अपनी दुकान पे जो माल उठाने के लिए कलेक्शन लेके घर से आया था और जो बैंक में जा रहा था, गाड़ी के अंदर 3 लाख रुपए के लमसम कोई पेमेंट था जो बैग पड़ा था, गाड़ी लॉक नहीं हो पाई, दुकान के अंदर गया 5 मिनट से वापस आया तो दुकान गाड़ी के अंदर से बैग गायब हुआ। आपको क्या है, एफआईआर दर्ज करा के कितने रुपए थे? एफआईआर नहीं, हमने मैसेज करवा दिया कंट्रोल रूम और थाने में, मुक्ता पारी जी को मैसेज करवा दिया, मौके पर मुक्ता पारी जी आके। कितने रुपए थे? करीब 3 लाख रुपए। आपका नाम? ओम प्रकाश। Thank you.